विश्व इतिहास में 13वीं सदी शायद सबसे खूनी सदी रही होगी। यह वही सदी थी जिसमें मंगोलों का कहर चीन से लेकर रूस तक और फिर बगदाद और पोलैंड तक बरपा। आज हम ऐसे ही मंगोलों की बात कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे क्रूर सेनापति कहलाया। यह शख्स था चंगेज खान। चंगेज खान का जन्म सन 1162 के आसपास मंगोलिया के खानाबदोश कबीले में हुआ था, जो अभी के समय में मंगोलिया के उत्तरी भाग में अनोद नदी के पास है। चंगेज खान का असली नाम तेमुजीन था। उसकी माता का नाम होइलन और पिता का नाम येजुसोई था। तेमुजीन जब छोटा से बड़ा हुआ तब उसने खानाबदोश जातियों को इकट्ठा किया एवं कुछ कबीलों को नष्ट करके अपने पिता येजुसोई का मौत का बदला लिया। इतिहासकारों के मुताबिक तेमुजीन के पिता को उसके चाचा ओंग खान ने बेहद दर्दनाक मौत दी थी, जिसके बाद 1203 ईस्वी में तेमुजीन ने अपने पिता के हत्यारे ओंग खान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और 1206 ईस्वी में अपने चाचा ओंग खान और उसके सबसे बड़े दुश्मन जमुका को हराने के बाद वह उस क्षेत्र पर सबसे ताकतवर और शक्तिशाली योद्धा बन गया। वहीं 1206 ईस्वी में उसके कामयाबी को देखते हुए मंगोलों की सभा कुरुलताई ने उसे अपना सरदार बना दिया और उसे कैगन यानी विश्व सम्राट की उपाधि दे दी। इसके साथ ही उसे महानायक भी घोषित कर दिया गया, जो आगे चलकर चंगेज खान के नाम से मशहूर हो गया। मंगोलों की सभा कुरुलताई के सरदार बनने के बाद चंगेज खान बेहद ताकतवर शासक बन चुका था, जिसने अपने सैन्य और युद्ध कौशल से एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। कहा जाता है कि उसकी सेना जहां से गुजरती थी उसके पीछे तबाही की एक कहानी छोड़ जाती थी। दुनिया के इस सबसे खूंखार दरिंदे चंगेज खान ने सबसे पहले चीन में तबाही का बेहद खौफनाक मंजर तैयार किया था। चंगेज खान को साइकोलॉजिकल वारफेयर में महारत हासिल थी। युद्ध से पहले ही दुश्मन को डरा कर उसके हौसले पस्त करने में चंगेज खान को महारत हासिल थी। चंगेज खान के क्रूर मंगोल सेना ने 1209 ईस्वी में चीन के उत्तर पश्चिम प्रांत में रहने वाले सीलिया लोगों को बुरी तरह पराजित कर दिया था। इसके बाद पेकिंग, जो वर्तमान में बीजिंग है, उस पर भी जीत हासिल कर ली। उसके बाद दक्षिण के सुंग साम्राज्य, जिसने उसकी कई लड़ाइयों में मदद की थी, उसे भी नहीं छोड़ा और उसे भी तहस नहस कर डाला। मंगोलिया से लेकर यूरोप तथा एशिया के कई हिस्सों पर उसने लगातार आक्रमण किया और वहां अपना मंगोल साम्राज्य स्थापित किया। उसके राज्य में आज का कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्व एशिया आते हैं। इस तरह चंगेज खान ने विश्व के करीब 3,30,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर राज करने वाला सबसे पहला शासक बन गया। चंगेज खान के बाद आज तक कोई भी शासक विश्व के इतने बड़े क्षेत्र में अपना शासन नहीं कर सका। चंगेज खान अपने युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। वो जिस राज्य में भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, अद्भुत कौशल की वजह से उसे जीत लेता था। दरअसल चंगेज खान बेहद होशियारी और सावधानी पूर्वक अपनी लड़ाइयाँ लड़ता था। चंगेज खान ने कई ऐसे लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें उसकी सैन्य बल विरोधी के सैन्य बल से कम था, लेकिन उसने बेहतरीन संगठन शक्ति अनुशासन की वजह से चंगेज खान के ही सेना को ही ज्यादातर जीत मिली। उसकी सेना बेहद बर्बर तरीके से रोनते हुए आगे बढ़ती थी, जिससे भयानक खून खराबा होता था। चंगेज खान ने अपने 22 साल के शासन में 4 करोड़ से अधिक हत्याएं करवाई। उसकी बर्बरता के अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने सन 1219 में ईरान पर हमला कर वहाँ के 75% आबादी का पूरी तरह से खात्मा कर दिया। उज्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद पूरी तरह से जलाकर राख कर दी। बुखारा की 10,00,000 आबादी में से सिर्फ 50 लोग ही जिंदा बचे थे।
इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी उतनी आबादी वापस होने में 750 साल का लंबा समय लगा। चंगेज खान ने जब चीन की दीवार भेदकर उसकी राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया तो उस समय चीन की जनसंख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंगेज खान कितना क्रूर और निर्दयी था। चंगेज खान ने 1206 से 1227 ईस्वी के बीच दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,30,00,000 वर्ग किलोमीटर था। इतना क्षेत्रफल पूरे पृथ्वी के थल भाग का 22% है और वर्तमान भारत से 10 गुना ज्यादा बड़ा था। इतना क्षेत्रफल आज तक कोई भी दूसरा सम्राट नहीं जीत सका है। इतिहासकारों के मुताबिक चंगेज खान पहले भारत को रोनते हुए असम के रास्ते मंगोलिया वापस जाना चाहता था, लेकिन भीष्म गर्मी और अपनी बीमारी के वजह से वह भारत आते आते वापस लौट गया और इस तरह भारत चंगेज खान की भयानक बर्बादी से बच गया। चंगेज खान जिस भी क्षेत्र को जीतता था उसके पराजित योद्धाओं के पत्नियों और बेटियों को नग्न परेड कराता था। वह उन स्त्रियों का चयन करता था जिसके साथ उसे हम बिस्तर होना होता था। महिलाओं को वह उनकी छोटी नाक, गोल नितंब, लंबे रेशम बाल, लाल होठ और मधुर आवाज से पसंद करता था। बाकी बची स्त्रियों को अपने अधिकारियों और सेनापतियों के छावनियों में भेज देता था। चंगेज खान की कई पत्नियां थी। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान हजारों का नहीं तो कम से कम सैकड़ों बच्चों का बाप होगा। आज भी चंगेज खान के वंशज 1,60,00,000 पुरुष जीवित हैं। दुनिया का सबसे खौफनाक शासक चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में 65 साल की उम्र में हो गई। यह कोई नहीं जानता कि चंगेज खान की मौत क्यों और कैसे हुई और उसे कहां दफनाया गया या फिर जलाया गया। एक कहानी के अनुसार घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। चंगेज खान के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वे चाहते थे कि मरने के बाद किसी को उसकी कब्र के बारे में पता नहीं चले, इसलिए उसकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए उसके शव को दफनाने वाले सभी सैनिकों को मार दिया गया और उस जगह 1,000 घोड़ों को दौड़ाकर उसके कब्र को समतल कर दिया गया। चंगेज खान 1227 ईस्वी में 65 साल की उम्र में एक बड़ा इतिहास अपने पीछे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। तैमूर और गजनवी को महान बताने वाले अरब और ईरानी लेखकों की नज़र में चंगेज खान एक दानव था। इसमें कोई शक नहीं कि चंगेज खान एक जालिम शासक था, पर उस समय दूसरे शासकों और चंगेज खान में कोई अंतर नहीं था। भारत में मुस्लिम बादशाह भी यही कुछ करते थे। गौर करने वाली बात यह है कि यह चंद्रगुप्त, सिकंदर और अकबर जैसे राजाओं ने राज्यों को जीतने का काम जवानी में पूरा किया, वहीं चंगेज खान ने 41 वर्ष की आयु में अपने विजय अभियान शुरू की। चंगेज खान के मरने के बाद भी मंगोल साम्राज्य 200 वर्षों तक कायम रहा। दोस्तों, ये था चंगेज खान के जीवनी के कुछ रहस्य। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको इस तरह का और वीडियो देखना पसंद है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मोर लिख दीजिए। हम हर दो दिन में ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप स्काई फ्यूरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाले आइकन पर भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। धन्यवाद।